हेलो गाइस, वेलकम टू दी बैरवा सिस्टर्स यूट्यूब चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमने, क्योंकि अब ठंड का मौसम आ गया है, फ्लावर्स का मौसम आ गया है, आप हमारे प्लांट्स में ऑलरेडी देख सकते हैं रोज़, और बाकी सब हमारे शॉर्ट्स में और हमारे वीडियोज़ में देख सकते हैं। बट आज मैंने कुछ दो फ्लावर के प्लांट लिए हैं। मैं आपको आज बताऊँगा कि एक्चुअली प्लांटिंग करने से पहले, ये देखिए, मैंने जैसे आपको पहले वीडियोज़ में आपको बताया था कि हमने बॉक्सेस, ये डब्बे काट के और इसी का हम पॉट बनाते हैं। इसमें आप देखें, मैंने थोड़े थोड़े छेद भी कर दिए हैं ताकि इसमें से पानी, एक्सेस वाटर जो है वो बाहर निकल जाए। आज मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली आपको मिट्टी कैसे बनानी है। मैं थोड़ा कंफर्टेबल बैठ जाता हूँ। आप देखिए, ये है नॉर्मल गार्डन मिट्टी। नॉर्मल गार्डन मिट्टी को मैंने निकाल दिया है। ये नॉर्मल गार्डन मिट्टी है। इस नॉर्मल गार्डन मिट्टी में अगर थोड़े बहुत कंकर पत्थर हैं तो आप उसको निकालें नहीं, क्योंकि कंकर पत्थर होने बहुत ज़रूरी है। बहुत बड़े कंकर पत्थर नहीं होने चाहिए, बट छोटे छोटे लाइक ऐसे कंकर पत्थर होने बहुत ज़रूरी हैं। इससे क्या होता है, मिट्टी बाइंड नहीं होती, अदरवाइज़ मिट्टी सूखने के बाद पत्थर की तरह सॉलिड हो जाती है और रूट्स भी डेवलप नहीं हो पाती। तो बेटर ये है कि आप ऐसी मिट्टी बनाएं जिसमें थोड़े से पत्थर भी हो, छोटे छोटे इस टाइप के बड़े पत्थर आप निकाल सकते हैं। फिर आप डालें मिट्टी को थोड़ा रेतीला बनाने के लिए। अगर आपके पास रेतीली मिट्टी ऑलरेडी है तो आपको ये डालने की ज़रूरत नहीं है। ये रेत है जो हम लोग घर बनाने में, कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं। और अगर आपके पास रेतीली मिट्टी नहीं है तो आप इसमें थोड़ा रेत डालें। ये बेसिकली क्या करता है, एक तो मॉइस्चर बहुत देर तक बना के रखता है, दूसरा ये मिट्टी को बाइंड होने से रोकता है, बिकॉज रेत में कभी भी गांठ नहीं बनती। आप कितना भी उसको गीला कर लें, कुछ कर लें, वो गांठ बनती नहीं। गांठ मतलब बेसिकली वो सॉलिड का रूप नहीं लेती है। जैसे ही वो सूखती है वो फिर से रेत बन जाती है, राइट। उससे क्या होता है कि आपकी प्लांट्स की जो ग्रोथ है, जो रूट्स की ग्रोथ है, वो बहुत आसानी से होती है। अदरवाइज़ रूट को अगर सॉलिड मिट्टी मिलेगी तो वो ग्रोथ होने में उसको प्रॉब्लम होती है। कई बार ग्रोथ इसी वजह से रुक जाती है क्योंकि मिट्टी इतनी सॉलिड हो जाती है कि पत्थर की तरह मिट्टी हो जाती है, और उसके बाद जो है वो आपकी जो प्लांट्स की रूट है वो आगे ग्रो ही नहीं हो पाती है। तो आप देख रहे हैं, मैंने इसमें तकरीबन 10-15-20% के आसपास मैंने इसमें रेत मिला लिया। रेत के साथ साथ मेरे पास ये वर्मी कंपोस्ट, ये मैंने गर्मियों में खरीदी थी लेकिन अभी तक पड़ी है मेरे पास, सूख गई है लेकिन रेडी टू यूज़ है, इसमें कोई ख़राबी नहीं हुई है। तो मैं इसमें तकरीबन 15-20% वर्मी कंपोस्ट भी मिलाऊंगा। जब आप मिक्सर बनाएंगे तो आपको थोड़ी सी काली मिट्टी जब हो जाए तो आपको पता लग जाएगा कि मिक्सर कैसा आपका बना है। देखिए, मैंने कोई भी ऐसा नहीं है जो एक बार डाल के वो छोड़ दिया हो। मैं जब जब डाल रहा हूँ उसको मिला रहा हूँ ताकि जो भी मिक्सचर में बना रहा हूँ वो इक्वली डिवाइड हो जाए पूरी मिट्टी। ये देखिए, ये मेरा वर्मी कंपोस्ट हो गया। वर्मी कंपोस्ट के बाद मैं इसमें थोड़ा सा, आपके पास है तो वर्मी कंपोस्ट डालें, और नहीं है तो आप काऊ डंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैं इसमें एक वर्मी कंपोस्ट भी डाल रहा हूँ थोड़ा सा, और थोड़ा मैं इसमें काऊ डंग भी डाल रहा हूँ बिकॉज मेरे पास अवेलेबल है। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप प्योर काऊ डंग भी डाल सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है उसमें। वर्मी कंपोस्ट से थोड़ा सा ग्रोथ जल्दी होती है और अच्छी होती है। तो ये आप देख रहे हैं, इसको इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा तोड़ लें, बहुत बारीक करने की ज़रूरत नहीं, छोटे छोटे क्रशेस कर लें, इतने इतने बड़े, क्योंकि जब ये पानी पड़ेगा तो इसमें से अपना न्यूट्रिशन ये छोड़ेगा इसके लिए। तो मैंने तकरीबन इतनी मिट्टी में एक काउडंक का इस्तेमाल किया है। तो ये काउडंक मिक्स करने के बाद मैंने आज थोड़ी सी छत पे सफाई की है, तो सूखे पत्ते मेरे पास थोड़े से बचे हैं। तो अगर आपके पास हैं तो आप उसे डाल सकते हैं, और नहीं है तो कोई बात नहीं। ये अंदर ही अंदर जो है कंपोस्ट होके इसका खाद बन जाएगा। तो ये मैंने वर्मी कंपोस्ट, सॉरी, मैंने सूखे ड्राई लीव्स
इसमें डाल दीजिए। आपके पास अगर अवेलेबिलिटी है तो आप डालें, नहीं है तो ना डालें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब फिर से मैं इसको एक बार मिला लूंगा। अब देखिए इसमें से मैं थोड़े से पत्थर निकाल रहा हूँ मोटे मोटे और नीचे लगा रहा हूँ ताकि नीचे सॉलिड मिट्टी ना जाए और ड्रेनेज के लिए अच्छी जगह मिले मुझे। उसके बाद मैं इसमें थोड़ी मिट्टी डालूंगा। और मिट्टी डालने के बाद अब मैं इसको अनपैक कर दूँ। ये देखिए, अनपैक करने से पहले आप देखें कि इस पर ना लोड ना पड़े, तो आप नीचे से पकड़ें और इस तरीके से इसको अनपैक करके प्यार से रख दें इसको एज इट इज। मिट्टी को तोड़ना नहीं है, जैसी मिट्टी में ये बाइंड है उसको वैसे ही छोड़ दें। और अब इसके ऊपर चारों तरफ से आप मिट्टी डालें। नीचे मिट्टी डालनी ज़रूरी है ताकि जब ग्रोथ होगी वो नीचे की साइड होगी, तो उसे नीचे भी जगह मिले ग्रोथ होने के लिए, मिट्टी मिले और साइडों में भी। देखिए ये पौधा थोड़ा सा उधर चूक रहा है, इसके लिए मैं कुछ भी करके नीचे एक सॉलिड कंकर लगा दूंगा जिससे थोड़ा सा ये इधर को ना भागे। अब मैंने मिट्टी डाल के इस पौधे को ऑलमोस्ट तैयार कर दिया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से सेट हो गए हैं। मिट्टी थोड़ी ज़्यादा डालें बिकॉज जब आप पानी डालेंगे तो मिट्टी थोड़ी सी नीचे बैठेगी। तो आपके पास मैंने ऑलमोस्ट इसको फिल कर दिया है ताकि मैं पानी डालूंगा तो थोड़ा नीचे बैठ जाएगा, उसके बाद पानी लाए इसमें थोड़ा जगह बचेगा। तो ये एक पौधा हमारा तैयार है और इसी तरीके से आप अपने दूसरे पौधे को भी तैयार करें। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ सम सेम चीज़। पहले थोड़े से एक दो कंकर पत्थर ले लें, उसको नीचे जहाँ अपने ड्रेनेज का जगह रखा है वहाँ रखें, वहाँ आप सूखी पत्तियाँ भी रख सकते हैं, कुछ भी ऐसा आपके पास है जिसमें जिससे ड्रेनेज में मिट्टी ना जमे वो आप रख सकते हैं। मैंने मिट्टी डाल दी, अब मैं इसको अनपैक कर लूं। अनपैक करते समय ध्यान रखें कि रूट पे या ब्रांच में ज्यादा लोड ना पड़े, तो या तो नीचे आप थोड़ी सपोर्ट रखें, नहीं तो हाथ से इसको बहुत ही प्यार से उठाएं ताकि नीचे लोड ना पड़े। और ऐसे ही सपोर्ट देते हुए आप इसको यहाँ रख दें। अब देखिए मैंने इसमें मिट्टी डाल दी है जैसे मैंने आपको पहले समझाया। ये पौधा मेरा तैयार है। मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा प्रेशर से पानी ना डालें, बहुत धीरे धीरे पानी डालें। और क्योंकि आप मौसम ठंड का है तो मैं ज़्यादा पानी नहीं डाल रहा, गर्मी में अगर इसको करता तो मैं अच्छे से पूरा पानी एक बार सूख जाता फिर दोबारा डालता, बट अब मैंने इसमें एक बार पानी डाल दिया है। इस पानी को आप डाल के छोड़ दें और होपफुली इसमें आप अगले 3-4 दिन तक पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब तक मिट्टी अच्छे से ड्राई ना हो जाए। और देखिए मिट्टी, मैं आपको बताना चाह रहा था कि मिट्टी ऐसे बनाने का क्यों फ़ायदा होता है कि आप देखें मिट्टी को कितने प्यार से आप उठा पा रहे हैं, सूखी मिट्टी को भी। तो इससे क्या होता है, रूट्स को डेवलप होने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, वो बहुत ईजीली डेवलप हो जाती है
और अगर मिट्टी सॉलिड हो जाती है पत्थर की तरह तो वो डेवलप होने में उसको प्रॉब्लम करती है। सॉलिड मिट्टी रूट्स को डेवलप नहीं होने देती। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका चैनल में जुड़े रहने के लिए। ऐसे ही प्लांट्स लवर अगर आप हैं और आपको चाहिए कि कुछ और प्लांट्स के बारे में आपको मैं जानकारी दूं, तो कृपया कमेंट करके बताएं। चैनल में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो।